जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिला समाहरणालय में एक संवाददाता सम्मेलन कर सकलेजा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों के आधार पर किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना साहिब और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का नामांकन जिला समाहरणालय में किया जाएगा। 30 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 2 मई तक विड्रोल की तिथि है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि आज शाम तक जितने रिकॉर्डिंग बाबा ना लगे हैं उसे हटा लें, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार करना वर्जित होगा। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए कुल 19 कोषांग बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने वोटर ऐप का निर्माण भी कराया है जिसके माध्यम से वोटर अपने वोटर लिस्ट में नाम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर 1980 भी जारी किया है। जिले में जितने भी संवेदनशील बूथ है वहां जिला प्रशासन की पैनी नजर होगी। अब तक जिले में 128 लोगों पर CCA लग चुका है। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उनको जिला बदर व थाना बदर किया जा सकता है। इस मौके पर SSP गरिमा मलिक ने कहा कि जिन लोगों के पास अवैध हथियार व कारतूस है उन पर निगरानी रखी जा रही है। फोटोग्राफ के साथ जो कि एम्प्लॉई को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, फिर बैंक पासबुक, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जो कि फोटोग्राफ के साथ इशू किए हैं, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो कि श्रम विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं मजदूरों को, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जारी किए गए हैं, पेंशन डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ के साथ, MPs, MLA, MLCs के लिए ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे किए गए हैं। एक जो नया इंस्ट्रक्शन है इसमें कि फोटो वोटर स्लिप जो है सिर्फ उसी को पहचान का आधार नहीं बनाया जाएगा। पूर्व में फिर चुनाव में वो पहचान का आधार था, लेकिन 28/2/2019 को जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं उसके तहत फोटो वोटर स्लिप जो है स्टैंड अलोन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। उसके साथ एडिशनल जो 11 बताए गए हैं वह आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य। वेरिफिकेशन लगभग जो है 5,000 की संख्या में हो चुका है और आगे जो है वो प्रक्रिया जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है डेट्स निकाले गए हैं उसमें आगे भी, और वो कंप्लीट जो है ससमय कर लिया जाएगा। 12,000 के लगभग है, 12,000 में 5,700 के लगभग का हो गया है, 5,916 का सत्यापन हो चुका है। 12,000 लाइसेंसेज है जो हमारे UIN में रजिस्टर्ड है, जो टोटल लाइसेंसेज हम लोग उनको मान सकते हैं, और उसके उसमें 5,916 लाइसेंस अभी तक वेरीफाई हो गए हैं। तो सेकेंड डेट निकाले गए हैं उसमें इसको फर्दर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हो चुकी है। स्पेसिफिकली आप लोग जो पूछ रहे हैं निरोधात्मक कार्रवाई जो है, भौतिक रूप से भ्रमण और संवेदनशीलता का चिन्हन हो रहा है, और अभी तक लगभग 4,000 से ऊपर प्रस्ताव जो है वो 107 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी तरह से CCA के लगभग 128 प्रस्ताव जो है वो भेजे जा चुके हैं। शराब अभी तक जो है वो लगभग 13,000 लीटर से ऊपर हम लोग सीज कर चुके हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो वॉयलेशन होंगे उसमें विधिवत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जो है वो दिया जा चुका है। विभिन्न इम्पॉर्टेंट जो रोड्स हैं, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, वहाँ पर चेकिंग नाका जो है उसका अधिष्ठापन इन प्रोसेस है, ऑलरेडी कई जगह पर हो चुका है, और आज जो है वो लगभग 50 जो है वो कार्यरत हैं, और आगे जो है इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार जो है बढ़ेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।